खाना बना हुआ है, तुम खाना क्यों नहीं खाती? मुझे नहीं खाना आपका खाना। तो कौन सा मनोसलवा है जो तुम खाती हो? नहीं खाती। आप तो यही चाहती हैं कुछ ना खाऊं, मैं मर जाऊं। अगर खुदकुशी हराम ना होती ना तो कब की मर चुकी होती मैं। उफ़, तुम मेरी बात सुनो, ये जो तुम कर रही हो वो हलाल है क्या? वो भी खुदा के नजदीक नापसंदीदा है। नमाज पढ़ा करो, कुरान की तिलावत किया करो, इससे तुम्हारा दिल नर्म होगा। सख्त हो गया तुम्हारा दिल, शैतान हावी हो गया तुम पर। आपका दिल तो नर्म नहीं हुआ मेरे लिए। तुमसे किसने कहा कि मेरा दिल सख्त है तुम्हारे लिए? मैं तुम्हारा सिर्फ भला चाहती हूँ, भला। अच्छी तरह जानती हूँ क्या चाहती हैं आप सिर्फ ये चाहती हैं कि आपके सर से मेरा बोझ जल्द से जल्द उतर जाए, इस घर से रुखसत हो जाऊं मैं। लेकिन ये भूल है आपकी, मेरी जिंदगी है ये, और मैं अपनी जिंदगी का किसी को फैसला करने की कोई इजाजत नहीं दूंगी। तुम खुद को बर्बाद कर रही हो फक। बर्बाद तो मैं कब की हो चुकी, अब तो मैं सिर्फ अपनी बर्बादी का इंतकाम ले रही हूँ आप लोगों से। खुद को बर्बाद करके हमसे बदला ले रही हो, हमसे इंतकाम ले रही हो तुम? बस बस कर दे, मैं कोई नसीहत सुनने के मूड में नहीं हूँ। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, पीछा छोड़ दे मेरा। तौबा है, जिस दिन से हारिस बाहर से पढ़कर आए हैं एक लाइन लगी हुई, कोई लड़की देखी? कोई लड़की देखी? मैंने कहा खुदा के बंदो माफ कर दो, मैंने देख ली है, मैं अपने भाई की बेटी लेकर आऊंगी। बस अब हाँ करो जल्दी से तुम लोग। मगर आपा, आपको भी ये बात सबको नहीं बतानी चाहिए थी। क्यों क्यों नहीं कहनी चाहिए थी? तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी खुश हूँ। पापा, मेरी भी इज्जत का सवाल है। तो क्या हो गया तुम्हारी इज्जत को? हैं? चिराग लेके ढूंढोगे ना, जब भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, ऐसा होनहार बच्चा दे रही हूँ मैं तुम्हें। पापा, मैंने आपसे कहा था कि मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा सोचने के लिए। सोच लो, बिल्कुल सोच लो, जितना सोचना है सोच लो, लेकिन हाँ में जवाब चाहिए, इनकार नहीं मैं सुनूंगी। प्लीज ज्यादा लोगों से मशवरे नहीं लेना हंसने, लोग नहीं चाहते कि बहन भाई मिले। मैं उसको लेकर आना चाह रही थी, वो भी आना चाह रही है बेचारियां जेबा और आसमा, लाऊंगी। चलो जो कहो अपने नौकर से, ड्राइवर को कह गाड़ी लाए। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, आप लोग बड़ी फूफो को साफ साफ इनकार क्यों नहीं करते थे? इनकार? और किस तरह से करते इनकार? कर तो दिया था इनकार, लेकिन बड़ी आपा वो तो बस जिद है, उन्हें कौन समझाए। तो ठीक है, अगर आप लोगों से ठीक से इनकार नहीं होता तो मैं कर देता। ओहो, फाइज मामला बेटी का है, मैं नहीं चाहता कि ऐना का नाम आए। और आपा को तो जरा भी इल्म नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ इसलिए इनकार कर रहे हैं कि ऐना सुफियान को पसंद करती है। लेकिन डैड, ये ऐना की जिंदगी का सवाल, इसमें क्या बुराई है? तुम क्या चाहते हो, घर बैठे बैठे बेटी को बदनाम कर दो? देखो, मैं अपने तरीके से ही इनकार करूंगा। ठीक है, एक और हल है इस बात का, आप छोटी पप्पो को कहें कि वो सुफियान का रिश्ता लेकर यहां। बड़ी पप्पो को रिश्ते से मना कर दें और छोटी पप्पो को हाँ करें। मुझसे आप चली जाए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैं
I'm sorry. माफ कर दो मुझे, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे सॉरी बोलनी है, आपने तो कभी अम्मी को भी सॉरी नहीं बोला। मेरी माँ नहीं है वो, आपकी भी अम्मी है जैसे हम सबकी अम्मी है। मैंने कहा ना, अगर वो मेरी माँ होती तो मेरे साथ ऐसा ना करती जैसा उन्होंने किया। मैंने आपके साथ क्या किया? वो तुम मासूम बच्चे का जहन खराब कर रही हो। क्या मिलेगा तुम्हें? मेरी सारी जिंदगी खराब कर दी आपने। आपको क्या मिला बताएं? समझ में नहीं आ रहा कि ये खालदा और हसनैन को हो क्या रहा, क्या मुश्किल हो गई, इतना वक्त ले रहे हैं? भाई आप सोचें, मैं मानती हूँ लड़की वाले जरूर सोचें, लेकिन इतना ज्यादा क्या कमी है हारिस में? तुमसे अगर मशवरा करें ना तो तुम टिका के उनसे कहें क्या कर रहे हैं भाई वो लोग, इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, सारे खानदान में हारिस जैसा लड़का नहीं। जी आपा, मैं जरूर कहूंगी। छोड़ो इन बातों को, मैं कहां अपनी बातें ले बैठी, तुम बताओ मुझको कि तुम्हारे खानदान का, तुम्हारे घर वालों का, बच्चों का, सबका क्या हाल है? वो उफक का क्या हाल है तुम्हारी बेटी? तो बा कुछ सुधरी है कि नहीं सुधरी? बस आपा, आप दुआ करें कि अल्लाह मेरे हाल पर रहम करे। सारी जिंदगी तो हैदर के मामला सुलझाने में गुजर गई। अब जाकर थोड़ा सा सुकून मिला था तो इस लड़की ने अजियत में डाल रखा है मुझे। पता नहीं आपा मेरी अजियत कब खत्म होगी। सबसे ज्यादा तरस तो मुझको बेचारे सुफियान पे आता है तुम्हारी बेटी, क्या छोटी उम्र से बेचारा काम कर रहा है, और वो बेशरम तुम्हारा मियां है वो कैसा है, कुछ सुधरा है कि नहीं सुधरा है? उसकी वजह से हसनैन तुमसे दूर हुआ। थैंक यू। अच्छे से निकली ही है, उफक का तो इन्फ्लुएंस नहीं है इसके ऊपर, कहीं बेहतर है उससे या वैसी है ये भी? बेटा ये उफक का तुम कुछ सोचो सीरियसली, हमारा शादी करनी है उसकी कि नहीं करनी है? इन हालात में तो कोई लड़की की तरफ पलट कर नहीं देखता। नहीं, ये तो बहुत ज्यादती है, जिस घर में जाएगी वहां पे मुसीबत डाल देगी क्या? थोड़ा कंट्रोल कर उसको। अम्मी, आपको खाला से अपने निजी मामला डिस्कस नहीं करने चाहिए थे। आपा सब जानती है, कुछ भी उनसे छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, अब्बू के बारे में जानती होंगी सब, लेकिन उफक, उफक के बारे में आपको कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। तो अपने दिल का बोझ कैसे हल्का करती? पक गया मेरा दिमाग, दिलो दिमाग अगर खोल के दिखा सकती तो जरूर दिखाती। अच्छा अब रोए नहीं, मेरा हरगिज मतलब आपको हर्ट करना नहीं था, लेकिन अम्मी उफक आपकी बेटी है और माएं बेटियों की कमजोरियों की पर्दापोशी करती है। बहुत कर ली मैंने उसकी पर्दापोशी, क्या उफक का हक नहीं बनता था कि खाला घर पर आए, आकर उन्हें सलाम कर, उन्हें चाय पानी का पूछ दी? बताओ जरा। खाला ही क्यों हुई थी? यही कहने आई थी कि भाईजान और खालदा हारिस के बारे में मुझसे मेरी राय पूछे तो मैं हारिस के फेवर में जवाब दूं। मामू सलाम अलैकुम। मामू। वालेकुम सलाम। बेटा जरा हमारा से बात कराओ, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी करवाता हूँ जी, एक सेकंड होल्ड। बात
अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हमारा मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है ऐना के सिलसिले में। भाईजान वो आपा भी आई थी मेरे पास। हारिस बहुत अच्छा लड़का है। अरे नहीं नहीं, मैं हारिस की नहीं सुफियान के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐना को अपनी बेटी बना लो। भाईजान मैं कुछ समझी नहीं। मैंने कौन सी फारसी बोली है कि तुम्हारी समझ में नहीं आई? देखो मैंने आपा को हारिस के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम सुफियान को मेरा बेटा बना दो। भाईजान आपने तो बिन कहे मेरा मान रख लिया। हम आज ही आते हैं आपकी तरफ। क्या कह रहे थे? ऐना अब हारिस की नहीं बल्कि मेरे सुफियान की दुल्हन बनेगी। अम्मी अब चुप भी करें ना, कल रात से रोए जा रही हैं आप। मुझे तो पहले ही पता था ऐसा कोई करता है। आप तो कहती थी कि मामू ने आपको माफ कर दिया है। माफ कर दिया होता तो कोई ऐसा करता है क्या अपनी बहन के साथ? कितना गिड़गिड़ाई, कितना रो रो के मैंने रिश्ता मांगा लेकिन उसने ना मेरी इज्जत नहीं की और ना मेरा मान रखा। क्या जरूरत थी आपको गिड़गिड़ाने की? क्या कमी है मेरे भाई में? 25 साल हो गए मुझको इस खानदान से बाहर निकाले हुए। इन लोगों को 25 साल हो गए। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, अच्छा नहीं किया तुमने। छोड़े अम्मी, देख लेंगे कौन सा शहजादा आता है उस बोनी आपा को ब्याह के लेके जाने के लिए। शहजादा आ चुका है। अम्मी को तो सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा था। शायद ये बात आप लोगों के नॉलेज में नहीं है, ऐना का रिश्ता हो गया है सुफियान से। क्या? और कल रात को बकायदा मुंह मीठा करवाया गया है। हमारा तुमने तो कमाल ही कर दिया। पहली ही बार में हां भी हो गई और तुम इतना कुछ ले भी आए। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा भाई इस रिश्ते के इंतजार में था। हैदर ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि सुफियान ऐना को पसंद करता है। बहरहाल ये मामला बखैर व खूबी तय हो गया। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। औलाद का मामला आया तो तुम्हारे भाई का सर झुक गया। बहन का मामला था तो बात करना भी गवारा नहीं की। इन बातों की अब क्या जरूरत है? इससे सिर्फ भाईजान का नहीं मेरा और आपका भरम भी जाता है। अब तो तुम मेरा मुंह बंद करवाओगे। सोने की चुड़िया जो तुम्हारे हाथ लग रही है। हैदर मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने सुफियान की खुशी देखी है, बस इससे ज्यादा मुझे कोई गर्ज नहीं। हाँ अच्छा ये बताओ मिठाई तकसीम कर दी या अभी रखी? कर दी। हाँ तुमने तो अपनी आपा की तरफ मिठाई भेजी होगी। उन्होंने वापस कर दी या रखी? क्यों वो क्यों वापस करेंगी? रिश्ते से इनकार भाईजान ने किया, मैंने तो नहीं किया। ये भी है। अच्छा ये देखिए आप। मामा अब बस भी कीजिए, कब तक सोग मनाती रहेंगी? और ऐना कोई दुनिया की आखिरी लड़की नहीं थी कि जो मेरे भाई की शादी नहीं हो सकती। एक से बढ़कर एक लड़की है हारिस भाई के लिए। आप जिस पर हाथ रखेंगी वही इस घर की बहू बनेगी। और सब एक से बढ़कर अमीर और खानदानी लड़कियां हैं। चली जाओ, चली जाओ यहाँ से आसमान। अच्छा नहीं किया हसने, अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। हमारा अगर मेरी बहन थी तो, लेकिन मैं तो सौतेली। सारी जिंदगी तुमने मुझे सपने रिजेक्ट किया, अब मेरे बेटे को रिजेक्ट कर दिया। मामा आखिर आपने हमारा खाला की मिठाई रखी क्यों? आपको क्या इस बात की तकलीफ नहीं हुई कि उन्होंने हमारी काट की है? वो क्या काट कर सकते? हसनैन अगर चाहता तो
सारी बातें गलत थी हमारा की, भाई भावज की हक तलफी की और गलतियों की जो बातें थी वो सब ऐसे ही झूठ था। उसने आखिरी वार किया मुझ पर, आखिरी वार किया मुझ पर तुमने मारा। अम्मी आप ये सोचें हम उन रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे जिनको आपने पहले से रिश्ते की बात बता दी थी। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने मुझे इसमें, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। चने मुझे फिर से सारे खानदान में रुस्वा कर दिया, फिर से मुझे तना छोड़ दिया। मिठाई खाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सुफियान भाई और ऐना की मंगनी हो गई, वो भी आनन फानन। कल तक तो अमारा बेगम को अपने भाई में बड़ी खामियां नजर आती थी। बुरे वक्त में कभी आकर उन्होंने पूछा नहीं था अपनी बहन को, फिर आज अचानक से कैसे रिश्ता लेकर चले गई। ओ फक, सुफियान भाई ने अम्मी को मजबूर किया था, वरना कहां जा रही थी अम्मी। और एक और बात बताओ, ऐना को तो खाला ने भी मांगा था हारिस के लिए, लेकिन मामू ने सुफियान भाई को ज्यादा तरजीह दी। सुफियान को नहीं, अपनी बेटी की खुशी को तरजीह दी है उन्हें। अरे वाह, तुम्हें कैसे मालूम कि इन दोनों का अफेयर था? अभी तुम ही ने तो बताया। और वैसे भी ऐना और सुफियान की मर्जी के बगैर तो ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारी माँ ने आज तक अपने बेटे की ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं की? उफ़क, वो तुम्हारी भी अम्मी है। खैर, इन सब बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मामू और मुमानी जान आ रहे हैं, सो प्लीज अपना ये हुलिया दुरुस्त कर ले। कल तो तुम हमारे साथ गई नहीं, लेकिन क्योंकि आज मामू और मुमानी जान हमारे घर आ रहे हैं तो तुम्हें मिलना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं उनसे मिलूंगी जाकर? जिसने तुम्हें मेरे पास भेजा है ना, उसे जाकर साफ साफ कह दो मुझे उन लोगों से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मैं उनके साथ कोई रिश्तेदारी निभाऊंगी, समझी? अंशरा, ये मिठाई लेकर जाओ यहां से। किसको सुनाए हम, कोई नहीं है हम गम इस शहर में। ऐना अभी पढ़ रही है, आपा की वजह से जल्दी फैसला करना पड़ा मुझे। अगर मैं ये फैसला ना करता तो आपा बिल्कुल पीछे ना हटते। पता नहीं क्यों उन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया है। और ये मशवरा हमें फाइज ने दिया है। बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, बच्चों की खुशियों को फरामोश नहीं करना चाहिए। अगर देखा जाए तो आपके मुताबिक कोई जोड़ तो नहीं बनता, लेकिन बेटी की खुशी की खातिर तो करना पड़ा ना मजबूरन। भाईजान, भाभी आप लोग कुछ लेना? हाँ हाँ, लेते हैं लेते हैं।
वालेकुम अस्सलाम। अरे अरे इधर आओ बेटा, माशाल्लाह मेरे पास बैठो, यहाँ आओ। अरे हमारा तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। जीती रहो बेटा, जीती रहो। हमारा वो उफक नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? वो मामू आप तो जानते हैं, वो मिलती नहीं ज्यादा किसी से, ऐसे कमरे में ही रहती है ज्यादा। अरे बेटा हम तो गैर या अजनबी थोड़ी हैं, उसके अपने हैं। भाभी आप तो जानती हैं, वो बस अपनी ही दुनिया में मगन रहती है। भाभी आप केक लीजिए ना, अंशरा ने खुद बनाया। अच्छा भाई फिर तो मैं जरूर लूंगी। तो आज हमारा के घर जाकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा क्या मतलब है? हाँ, आपको अच्छा नहीं लगा? हैदर वही का वही है, जरा नहीं बदला। कितना तंज और कड़वापन है उसके अंदर, पता नहीं कैसे निभेगी। सिर्फ बेटी की जिद थी, वरना वरना क्या? मैं हरगिज अपनी बेटी बहाना देता। पता नहीं, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐना वहां जाकर बहुत खुश रहेगी। और अंशरा भी बहुत अच्छी लड़की है। हाँ मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम बट्टा सट्टा कर लें। जब अंशरा हमारे यहां आ जाएगी ना तो हमारी ऐना का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। और घर की बच्ची है वो हमारी। देखो ना, हमारी बेटी ब्याह कर चली जाएगी ना तो इस तरह से मुझे अपनी बेटी की कमी भी महसूस नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि आप गलत सोच रही हैं। गलत सोच? एक ख्याल मेरे दिल में आया था, सुना ने कह दिया। माँ हूं ये बेटी के बारे में तो सोचूंगी। कौन माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी का फ्यूचर सिक्योर रहे। कुछ नहीं बेटा, आप जाइए अपना चेंज कर लीजिए, मैं खाना लगवाती हूँ। आपने लंच किया था? नहीं, भूख ही नहीं लग रही थी बिल्कुल। अब खाऊंगी खाना। यानी ब्रेकफास्ट के बाद आप अभी डिनर करने लगे? जो दिन भर का फाका है ना ये ठीक नहीं है अम्मी। बेटा फाका नहीं है मेरा बच्चा, कहा मैंने आपसे कि मुझे भूख नहीं थी, खाना खाती हूँ आपके साथ अब मैं। अच्छा ठीक है, मैं भी कल से ऑफिस नहीं जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा दिन भर, ताकि आप कम से कम दो वक्त का खाना खा लें। क्यों खराब कर रहे हैं आप अपनी जिंदगी बेटा मेरे लिए? अम्मी मेरी जिंदगी आप हैं। मेरी जिंदगी भी आप हैं बेटा। मैंने कितना सोचा था कि अपना मकाम ऊंचा करूंगी, वकार बहाल करूंगी, लेकिन सब कुछ नाकाम हो गया। आपको भी मैं वो खुशी नहीं दे सकी जिसका आपको हक था। अम्मी ऐना इस दुनिया की पहली और आखिरी लड़की नहीं थी, आपने क्यों इस बात को दिल में बिठा लिया है? आपका ऐसा टूटना मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना गमगीन तो मैंने आपको तब भी नहीं देखा था जब अब्बू इस दुनिया से चले गए थे। आप मुझे देख के मुस्कुरा तो लेती थी, आप मेरी तरफ देखती भी नहीं।
Thanks. ऐसी कोई बात नहीं मेरा बच्चा, कपड़े चेंज करें फिर खाना खाते हैं। Cheer up. वैसे तो कोई कबाहत नहीं है, उफक अंशरा से बड़ी है। तो क्या हुआ, हमारा फायज भी तो बड़ा है अन्ना से, हम लोगों ने तो ये बात कभी नहीं सोची। अरे वो बेटा है बेटी नहीं है, और दो बड़ी बेटियों के होते हुए छोटी को ब्याया तो लोग बातें करेंगे। बस रहने दीजिए, अब आप कमरे में बैठे बैठे इस तरह से कयास आराइयां मत किया करें। मैं सोच रही थी कि हम अमारा से बात कर लेंगे और मंगनी को भी थोड़ा डिले कर देते हैं, और जैसे ही उफक का रिश्ता हो जाएगा ना फिर हम ये बात सबको कह देंगे बस। ओहो तो फिर इतनी जल्दी क्या है, बाद में बात कर लेंगे। जल्दी क्या है, फाइज को जल्दी है। ओहो ये फाइज का नाम लेकर आप मुझे लाजवाब कर देती है, पर बहू के साथ गुजारा आपने करना है, निभाना बेटे ने है, मुझे क्या इतराज हो सकता है। अच्छा मैं ऑफिस चलता हूँ, बाद में बात करेंगे। ठीक। चलता हूँ, मैं घूमने फिरने चलते हैं, आप रिलैक्स हो जाएंगे। बेटा मेरा बच्चा आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं किसी चीज से रिलैक्स नहीं कर सकती, किसी चीज से नहीं। मुझे सिर्फ आपकी शादी करनी है और आपकी खुशियाँ चाहिए। अम्मी मेरी भी सारी खुशियाँ आप ही से वाबस्ता है, मेरी कोई पसंद नहीं है, कोई जिद नहीं है। आप क्यों एक बात को लेकर फिर? हेलो अभी नहीं, आधे घंटे में, अभी नहीं, मैं चाबी लेके आ रहा हूँ। जिद आपकी नहीं मेरी थी, हसनैन और अमारा ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अरे भाभी आप यूं इस तरह से अचानक आने से पहले कम से कम फोन तो कर देती। अमारा मेरा अपना घर है, और प्लीज किसी तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी चाहिए होगा ना मैं कह दूंगी। अच्छा बैठे मैं कुछ लेकर। अरे 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 प्लीज तुम बैठो, ये वक्त तुम्हारा हाथ बात नहीं बटाती क्या? नहीं भाभी, जब उसकी मर्जी होती है तो घर के कामकाज कर ही लेती है। अच्छा ये बताओ हमारा, उपक की कहीं बात तय हुई? रिश्ते तो कई आए हैं भाभी, लेकिन हैदर ने अभी तक किसी को कोई जवाब नहीं दिया। सही कह रही हो, बेटियों के रिश्ते वैसे सोच समझ कर ही करने चाहिए। तुम जानती हो आज मैं तुम्हारे पास किस लिए आई हूँ? मैं अपने फाइज के लिए अंशरा को मांगने के लिए आई। भाभी ये क्या कह रही हैं आप? मुझे मालूम है तुम्हें अजीब सा लग रहा होगा कि बड़ी के होते हुए मैंने छोटी को मांग लिया, मगर हमारा देखो अंशरा मेरे फाइज की पसंद है, और जब बच्चे राजी हैं तो फिर हमें एतराज नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल से तुम्हें हाँ करती नहीं चाहिए। भाभी ये तो आपकी मोहब्बत है। अच्छा तो मैं हाँ समझू? मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। अजरा मेरा कमरा ठीक करना। हाँ बेटा। हाँ जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आप अमारा खाला के घर जा रही हैं? जी, इतराज़ है आपको कुछ?
क्यों नहीं होगा इतराज? आपने देखा नहीं किस तरह से हारिस भाई के रिश्ते में रुकावट डाली उन्होंने? और आप अब भी ना सिर्फ उनसे ताल्लुक रख रही हैं, बल्कि रिश्ता भी जोड़ रही हैं। इम्प्रेसिव। देखिए बेटा, एक बात समझिए कि रिश्ते जो होते हैं ना, ये कुदरत वाला तय करता है। बहुत दूर रही हूँ इनसे और बहुत दिनों तक बहुत रिजेक्ट। लेकिन अब चाहे मेरे बेटे की शादी मेरे भाई की बेटी से हो या मेरी बहन की बेटी से, ये शादी तो जरूर होगी। वो सब ठीक है, लेकिन अगर आप जा ही रही हैं, तो फिर रिश्ता अंशरा का मांगिएगा। वो सब तो मुझे एक आदमी बाती। ना ही उसका कोई हमारे भाई से जोड़ है और ना ही कोई रिश्ता और ना ही मजाज। जेबा, हारिस मेरे बेटे हैं ना, मैं उनके लिए जो सोचूंगी बेहतर ही सोचूंगी ना। आप प्लीज थोड़े दिन दखल मत दीजिए इस मामले में, है ना? ठीक है, खुदा हाफिज। ओके। रुको, एक मिनट रुको। जल्दी चलो। उफक, कितनी बार समझाया है तुम्हें कि मगरिब के वक्त इन पौधों के पास मत आया करो, लेकिन तुमने रोज का मशगला ही बना लिया। तो कौन सा कयामत आ गई? जिन भूत होते हैं इनमें मगरिब के वक्त, क्यों नहीं समझती तुम? तो जाए ना अंदर। क्यों खड़ी है यहाँ? ये जिन भूत मुझे कुछ नहीं कहते। उफक, तुम क्या साबित करना चाहती हो? क्या हो तुम, पागल हो, मकबूतुल हवास हो? क्यों इतना ऊंचा बोल रही है? सुनाई देता है मुझे, अंशरा का रिश्ता आया। क्या करूंगी? ऐसा करो, इस मिट्टी में दो कब्रें खोदो, एक मेरी और एक अपनी। उफक, तुम ना अपनी जिंदगी बर्बाद करो और ना ही मेरा दिल जलाओ। तो क्यों जलाती हैं आप अपना दिल मेरी वजह से? आपने जो मेरे लिए नेकी करनी थी ना, बहुत सालों पहले कर चुकी है। अपनी पीछा छोड़ दो मेरा। कैसे छोड़ दो तुम्हारा पीछा? सबसे बड़ी औलाद हो तुम। सबसे बड़ी औलाद या सबसे बुरी औलाद हूँ मैं आपकी? उफक, कितने रिश्ते आ चुके हैं तुम्हारे, खुदा के वास्ते ना तुम अपना वक्त बर्बाद करो ना ही हमारा। शादी मेरी जिंदगी का मकसद नहीं था। देखो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा। उफक, खुदा के वास्ते उस गलत फहमी के लिए तुम मुझे माफ क्यों नहीं कर देती? मैं तुमसे माफी मांग चुकी हूँ। आपकी गलत फहमी ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अजाला कर सकती है इसका? अच्छी जगह शादी हो जाएगी तो शायद उस गलत फहमी का अजाला भी हो जाए। इस कुछ फहमी को संभाल के रखें अपने पास, मैं शादी नहीं करूंगी। अम्मी, खाला इंतजार कर रही है। हो सके तो खाला को सलाम करने आ जाना। तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, नहीं तो मैं उसी रोज आती जिस दिन तुमने लड़के के हाथ सुफियान की मंगनी की मिठाई भिजवाई थी। मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई। आप ये तो आपका बड़ापन है। फोन पर ही बता देती, फोन तक पर भी नहीं बताया। कम से कम इतना हक तो है मेरा कि अगर तुम्हारे किसी बच्चे की बात पक्की हो या मंगनी हो तो मुझे अस कम बता ही दो। आपा, वो दरअसल मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आप इतनी चाहत और चाह के साथ गई हारिस का रिश्ता मांगने और भाई भाभी ने इनकार कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे आपसे इस बात का जिक्र करना ऐसे ही है जैसे
आपके जख्मों को कुरेदा जाए। नहीं अम्मा, अगर तुम्हें इतना ही एहसास होता ना तो तुम जाती नहीं। अब पापा मैं आपको क्या बताऊं, वो सुफियान और ऐना एक दूसरे को पसंद करते थे। मैंने और भाईजान ने यही मुनासिब समझा कि बच्चों की खुशी को अहम जाना जाए। बहरहाल आपा, आपका बड़ा ज़र्फ है कि आप मुबारकबाद देने आ गई, वरना मैं तो बिल्कुल भी आपका सामना करने की पोजीशन में नहीं थी। खैर ये तो नसीबों के खेल होते हैं, छोड़ो परे, मैं हसनैन के भी जाऊंगी मुबारक देने, लेकिन पहले जरा मैं हारिस का रिश्ता पक्का कर लूं। वालेकुम अस्सलाम। ओ चाय बहुत पिलाती हुई, बड़ी अच्छी तरह से तुम हमको हैं। अल्लाह नसीब अच्छा करे, बहुत प्यारी। थैंक यू। बस आप आपकी दुआएं चाहिए। मैंने अंशरा का रिश्ता तय कर दिया फाइज के साथ। क्या कर दिया, किसके साथ? फाइज के साथ इसका रिश्ता तय? बताते नहीं तुम लोग कोई बात? नहीं आप, आज ही रिश्ते की बात हुई है, अभी हमने कोई रस्म अदा नहीं की, वरना आपको जरूर बुलाते। और वक्त बड़ी बेटी के होते हुए छोटी का रिश्ता तय कर दिया तुमने? आपा उफक के सारे मामलात को आप जानती हैं, सुनती कहाँ है मेरी वो, यानी वो जो बात करेगी तुम मान लोगी उसको? तुम हसनैन से साफ कह देती कि जब तक बड़ी का रिश्ता नहीं होगा मैं छोटी का रिश्ता नहीं करूंगी। बस क्या बताऊं आपा, अब तो कुछ बताने को भी दिल नहीं चाहता, उफक की वजह से ही तो रस्म नहीं की। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि पढ़ना लिखना अपनी जगह है हमारा, लेकिन क्या वो शादी नहीं करेगी? मेरी बात नहीं समझ में आ रही? आप समझाएं ना उसे कि जिद ना करे, अभी तो रिश्ते भी आ रहे हैं, कल को रिश्ते नहीं आएंगे तो फिर क्या करूंगी उसके लिए मैं? घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई परेशान होने की बात नहीं। लीजिए आप चाय। थैंक यू। अम्मी मैंने आपको मना किया था, क्या जरूरत थी खाला के सामने उफक के मामला डिस्कस करने की? पापा कोई गैर नहीं, सब जानती, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं। ठीक है खाला गैर नहीं है, सबको जानती है, लेकिन अम्मी ये वक्त उफक की शादी का वक्त है, ऐसे ही आपके मुंह से कोई उल्टी सीधी बात निकल गई तो उसके फ्यूचर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। मेरी बात सुनो, पापा को इस मोहतरमा का रिश्ता मांगने नहीं आई थी कि ये सारी बातें उसके मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो? उसके अपने ढंग तो देखो, बिन बताए सबको पता चल जाते ये तौर तरीके होते हैं बेटियों के, और बजाय इसके कि तुम उसे समझाओ मुझे गलत साबित कर रही हो। सॉरी अम्मी, मेरा हरगिज मतलब आपको हर्ट करना नहीं था, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उफक जो कुछ भी कर रही है उसे जितना हो सके लोगों से पोशीदा रखे, कहीं ऐसा ना हो कि उफक समझना चाहे लेकिन यही लोग उसे समझने ना दें और यही बातें उसके लिए ताने बन जाएं। अल्लाह करे वो मेरे घर में ही संभल जाए, सुधर जाए, अगर यहाँ नहीं सुधरेगी ना तो वो कहीं भी नहीं सुधर सकती। सुना तुमने,